गरियाबंद जिले में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के चलते कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रत्याशी अमितेश शुक्ल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धान की उपज 3,000 प्रति क्विंटल खरीदी की जाएगी। बताया जा रहा है कि दोनों कांग्रेस प्रत्याशी रैली के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। वहीं राजिम विधानसभा से प्रत्याशी अमितेश शुक्ल और बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी जनकलाल ध्रुव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस नेता नंद कुमार राय भी मौजूद रहे।